एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी में बस थोड़ा सा ये डिस्कस किया गया है. फर्स्ट पार्ट है, एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. क्योंकि हमें पता है कि एक वायर है जैसे, उसकी इलास्टिक लिमिट अगर क्रॉस कर देते हैं तो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर जाएगा और अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएगा और टूट सकता है. तो इसलिए हम उतना नहीं खींचते हैं कि उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाए. इससे बेटर क्या करते हैं, उस मशीन का पार्ट ही चेंज कर देते हैं. जैसे सेकेंड एग्जाम्पल भी सेम है, थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप्स यूज इन लिफ्ट इन हैवी वेट्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटीरियल. कितनी इलास्टिक लिमिट है उस हिसाब से उसकी थिकनेस बनाई जाती है. लिफ्ट की रस्सी बनानी है, कितनी मोटी होगी वो इलास्टिक लिमिट डिसाइड करेगी ताकि उतने भार को उठा सके. और अगर वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना हो, क्योंकि अगर आप चेंज ही नहीं करोगे वायर, देखो वायर रिपेयर तो होती नहीं, चेंज नहीं करोगे तो उसकी इलास्टिक लिमिट एक दिन क्रॉस हो जाएगी लिफ्ट की, अल्टीमेटली क्या होगा, खिंच खिंच के वो रस्सी टूट जाएगी, लिफ्ट गिर जाएगी. तो हम क्या करते हैं, हर साल उस रस्सी को चेंज कर देते हैं. तो इलास्टिक लिमिट पता नहीं क्रॉस होगी कि नहीं होगी, उसको बेटर है उसको एक टाइम के बाद चेंज कर दिया जाता है. नेक्स्ट है, ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड नॉट फिट, होना चाहिए यहाँ पर नॉट फिट फॉर यूज आफ्टर अ लॉन्ग यूज, मतलब फिट जो है इसकी जो है उसको यूज करने को मना किया जाता है. क्यों, क्योंकि ब्रिज भी क्या है, इलास्टिक है, झूलते हैं ना ऐसे, तो उसकी भी कुछ इलास्टिसिटी होती है. तो होता क्या है, अगर बहुत साल तक ट्रैफिक चलता रहेगा तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, पिलर्स होते हैं ना इलास्टिक हैं, तो इलास्टिसिटी क्रॉस हो जाएगी और एक बार लिमिट क्रॉस हो गई फिर वो ब्रिज टूट जाएगा. ठीक है यहाँ तक, तो इसलिए उसकी रिपेयर या उसको बंद कर दिया जाता है फॉर रिपेयर, उसके बाद ठीक करते हैं, उसकी इलास्टिसिटी रिस्टोर करते हैं, फिर दोबारा उसको खोलते हैं. ठीक, तो बीम्स हैं या ब्रिजेस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं, देखो टेढ़े हो जाते हैं जो बीम्स हैं, जो घर में बीम डलते हैं ये भी लोड उठाते हैं. अब लोड उठाएंगे कुछ साल के बाद ये भी टेढ़े हो सकते हैं, तो इनको भी ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि एक से बिल्डिंग्स हैं कोलैप्स हो जाती हैं, आपने देखा होगा. क्यों, क्योंकि 25, 30, 50 साल बाद बिल्डिंग गिर जाती हैं. क्यों, क्योंकि वही लोड है और उसकी इलास्टिक लिमिट क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है. तो कितना लोड उठा सकता है कोई ब्रिज, तो बेंड भी हो जाता है लोड, जब ट्रैफिक जाएगा बेंड हो जाएगा. ये मान लो बेंडिंग है उसकी डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला भी इसने दिया हुआ है पर हमें करना नहीं है, ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है हमें, पर ये करने की जरूरत है. वो वैसे बता रहा है कि ब्रिजेस की के अंदर भी ये एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट, राइट.